गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज सुबह सुबह इतना सुंदर आसमान देखने के बाद हमारा दिन शुरुआत होता है। चलिए आज का काम का एक्टिविटी देख लेते हैं। आज हमारा काम है 305 टैंक नंबर, उसका आज सेल इरेक्शन होगा, तो इसीलिए वर्कर लोगों को लगा दिया जो प्ले सेल का जो प्लेट आता है उसमें हुकिंग करने के लिए, क्योंकि क्रेन से ये हुकिंग करके उठा के वो प्लेट उधर डालेगा। ये प्लेट है 32 mm का। ये लोग करते रहे फिर हम लोग टैंक में जाते हैं। टैंक का आज एक्टिविटी, ये वाला टैंक आज थोड़ा जैक से, हाइड्रोलिक जैक से ऊपर उठाना पड़ेगा, उसके बाद नया सेल फिर नीचे से डालना पड़ेगा। उसके बाद ये जो जैकिंग किया हुआ है, ये जैकिंग करने के लिए इधर से ऐसे हुक लगाना पड़ता है, उसके बाद इसके ऊपर डीपी करना पड़ता है, क्योंकि डीपी नहीं करेंगे तो किसी कहीं पे भी क्रैक हो सकता है, कहीं पे भी टूट सकता है। तो इसीलिए अभी आदमी लोगों को लगा दिया उसको सब कुछ सही करने के लिए, और उसके बाद ग्राइंडिंग वगैरह सब कुछ करने के लिए। अभी ये लोग ग्राइंडिंग करते रहे और जितना सारा पॉइंट है वो निकलते रहेगा। इसके बाद ये वाला सेल वो हाइड्रोलिक जैक से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर उठता रहेगा। अभी हम लोग देखते हैं पूरा का पूरा जैक क्लिप का पूरा हुकिंग लगा दिया गया। उसके बाद अभी हमारा काम है जैक ऑपरेटर के पास जाने के लिए। अभी हम लोग धीरे धीरे करके देखता हूँ जैक ऑपरेटर का काम अभी कितना दूर तक हुआ है। फिर हम लोग ये जाके देखा, उन्होंने धीरे धीरे करके सेल को ऊपर उठा दिया। उसके बाद लीवर को खींचने के बाद सेल धीरे धीरे करके ऊपर उठ भी रहा है। जैक से कैसे सेल को ऊपर उठा रहे वो हम लोग देखते हैं। ऐसे धीमे धीमे करके पूरा सेल को ऊपर उठाते रहेगा, धीरे धीरे करके। हमारा पूरा का पूरा सेल उठा दिया गया। उसके बाद अभी हम लोगों का काम है नया सेल डालने के लिए नीचे से। अभी एक एक करके पूरा सेल को हम लोग डालते रहेंगे और डालते रहेंगे। उसके बाद हमारा पूरा का सेल डालना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखने में इसका डाया इतना आया, उसके बाद इसका अंदर का इतना व्यू आया और बाहर का व्यू ठीक ऐसा टाइप का आया। उसके बाद कंप्लीट के बाद हमारा काम खत्म हो गया। फिर आएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।